प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है और आने वाले सत्र में ये तीनों ही कानून वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अभी किसान आंदोलन के लिए डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते हैं और साथ में MSP को लेकर कानून नहीं बन जाता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम इस समय सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर लगभग एक साल होने जा रहा है ये किसान आंदोलन का, और आप यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा अभी भी यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद किया गया है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये केवल उन लोगों के लिए है जो सिंघू गांव में रहते हैं या फिर दिल्ली पुलिस के जो जवान यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं उनके आने जाने के लिए फिलहाल ये रास्ता खोला गया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद आंदोलन खत्म होने की घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन उसको लेकर आज संभवतः बैठक हो सकती है किसान संगठनों की, जिसमें फैसला लिया जा सकता है कि आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा और किस तरीके से इस आंदोलन को ख़त्म किया जाएगा। हालांकि जो किसान संगठन है उन्होंने ये बात कही है कि पहले ये तीनों कानून वापस हो जाएं और MSP को लेकर भी एक कानून बने जिससे कि किसानों की आय की वृद्धि निश्चित हो सके, तभी वो लोग अपने आंदोलन को समाप्त करेंगे। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अभिषेक रावत, ABP न्यूज, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।